अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को है। इस साल अक्षय तृतीया बहुत खास है क्योंकि इस दिन पंचाग्री योग बन रहा है जिससे कई राशियों को धन नौकरी में लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकावास 24 और मैं हूं यति आपके साथ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिन दीपावली और धनतेरस के समान पुष्प फलदायी होता है क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को है। साथ ही हम आपको बता दें कि 23 अप्रैल को भी अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि 22 अप्रैल को सुबह 7:50 से 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:48 तक रहने वाला है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस दिन मांगलिक कार्य और सोना चांदी मूल्यवान चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं। इस साल अक्षय तृतीया बहुत खास है क्योंकि इस दिन पंचाग्री योग बन रहा है जिससे कई राशियों को धन नौकरी में लाभ मिल सकता है। इस साल अक्षय तृतीया पर 125 साल बाद मेष राशि में 5 ग्रह सूर्य, गुरु, बुध, राहु और यूरेनस पंचाग्री योग निर्माण करेंगे। वहीं अक्षय तृतीया पर सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ यानी दोनों ही ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं, जबकि इस दिन चंद्रमा और शुक्र दोनों वृष राशि में होकर बेहद शुभ फलदायी स्थिति में परिवर्तित होने वाले हैं। ये शुभ योग का संयोग कई राशियों पर बम्पर लाभ देगा, लेकिन 4 ऐसी राशियां हैं जिन पर विशेष प्रकार से कृपा बरसने वाली है। बता दें कि वृषभ, मेष, वृश्चिक, कर्क, ये 4 ऐसी राशियां हैं जिन पर इस साल की अक्षय तृतीया काफी ज्यादा फलदायी रहने वाली है। अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ संदेश लेकर आने वाला है। लंबे समय से चल रहा आर्थिक और मानसिक संकट आपका दूर होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। नौकरी में उन्नति होगी, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। साथ ही आय में वृद्धि के प्रबल योग भी आपके बन रहे हैं। जो काम आपके काफी समय से रुके हुए हैं वे भी गति पर आएंगे। साथ ही साथ आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकावास 24। धन्यवाद।